हेलो इस लेक्चर में हम एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का इसमें कुछ पार्टनर होते हैं फिर एक पार्टनर नया आ जाता है तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे तो अमला एंड कमला और आर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो फोर इज टू वन तो अमला और कमला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फोर इस टू वन तो फोर इस टू वन का मतलब क्या है अगर प्रॉफिट पांच हजार होगा तो पांच हजार में से चार हजार को मिलेगा और ए, एक हजार रुपए कमला को मिलेगा अब इन्होंने क्या है बिमला को एडमिट कर लिया है बिमला को एडमिट किया है और बिमला का शेयर दिया हुआ है वन बाय फोर इन द प्रॉफिट विच शी एक्वायर्स ओनली फ्रॉम अमला तो आपको निकालना है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है जैसे कि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है अमला और कमला अमला का शेयर है फोर बाय फाइव और कमला का शेयर है वन बाय फाइव और बिमला जो वन फोर शेयर के लिए एडमिट हुई है वो अपना सारा का सारा शेयर किससे ले रही है से ठीक है तो यानी कि इसने जो वन बाय, फोर लिया है, वन बाय फोर लिया है वो सारा का सारा अमला से ले रही है ठीक है तो सेक्रीफाइज कौन कर रहा है सेक्रीफाइज सिर्फ से अमला कर रही है ठीक है तो हमें क्या है अब नया रेशो निकालना पड़ेगा तो नया रेशो कैसे निकालोगे और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर तो न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइजिंग रेशो तो न्यू रेशो मुझे पहले निकालना है अमला का अमला का ओल्ड रेशो कितना है अमला का ओल्ड रेशो है फोर बाय फाइव इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया है सारा का सारा जो नए पार्टनर बिमला को दिया जा रहा है वो सारा का सारा अमला ने दिया है ठीक है तो यानी कि नए पार्टनर का शेयर सारा का सारा अमला का सेक्रीफाइस है ठीक है तो ये कितना आएगा ये आएगा इसका एल सी और ये आएगा सिक्सटीन माइनस फाइव ठीक है तो ये आ जाएगा इलेवन बाय ट्वेंटी ठीक है और कमला का न्यू शेयर कमला का न्यू शेयर क्या होगा <coughs> कमला का ओल्ड शेयर कमला का ओल्ड शेयर एक बटे पांच है ठीक है और सेक्रीफाइस कितना है कुछ भी नहीं है जीरो है क्योंकि सारा का सारा शेयर जो बिमला को मिला है वो अमला ने दिया है तो कमला का कोई सेक्रीफाइस नहीं है ठीक है तो कमला का नया शेयर कितना हो जाएगा एक बटे पांच और जो नई पार्टनर है उसका शेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ है वन बाय तो फोर तो अब न्यू रेशो आप कैसे निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अमला कमला एंड बिमला इज इक्वल टू इलेवन बाय ट्वेंटी इज टू वन बाय फाइव इज टू वन बाय फोर तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम सबका ट्वेंटी हो जाएगा और ये हो जाएगा इलेवन इज टू पांच गुणा चार इलेवन इज टू फोर इज इक्वल टू फाइव अब यहाँ पे आपको देखने वाली चीज क्या है एक बार आप क्रॉस चेक कैसे करोगे ग्यारह चार और पांच का टोटल बीस होना चाहिए और यहाँ बीस ही है यानी कि आंसर हमारा ठीक है या कैलकुलेशन हमारी ठीक है तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा इलेवन इज टू फोर इज इक्वल टू फाइव ठीक है और इसी क्वेश्चन में अगर आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना होता तो सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइज कर रहा है हमला ठीक है तो सेक्रीफाइस सिर्फ अमला का है तो यानी कि सेक्रीफाइस सेक्रीफाइजिंग रेशो ठीक है ऑफ अमला और, और कमला ठीक है तो ये कैसे निकालोगे अमला ने कितना सेक्रीफाइस किया जो बिमला को पूरा का पूरा मिला था वन बाय फोर ठीक है और ये हो जाएगा जीरो ठीक है कमला ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया था ठीक है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेक्रीफाइजिंग शेयर कितना है वन बाय फोर है क्योंकि एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो दो ने किया हो तो हम उसका रेशो निकालते एक ही पार्टनर ने किया है तो उसी को आप लिख दोगे जो उसका सेक्रीफाइज है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हम न्यू रेशो निकालेंगे और मैंने आपको सेक्रीफाइजिंग रेशो भी बता दिया सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर थैंक यू